प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मुझे ये सारी डिटेल बताया गया कि एडमिशन की रुक की जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है। लास्ट डेट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू जेबिस्ट एडमिशन सीरीज। इस सीरीज में हम जेबिस्ट के एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो में हम एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेबिस्ट का एडमिशन फॉर फॉल 2023 अनाउंस हो चुका है और उसकी जो सेकंड राउंड है एप्लीकेशंस का वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आप सेकंड फेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेबिस्ट आपको कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ हम उनके सैंपल टेस्ट को देखेंगे कि जेबिस्ट कौन से किस्म की टेस्ट आपको कंडक्ट करती है। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम आते हैं जिसमें बिजनेस के प्रोग्राम्स आते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस 2.5 ईयर 2.5 साल के लिए जो होता है, उसके साथ बिजनेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, उसके साथ साथ ये बिजनेस के सारे मैनेजमेंट के सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आता है बायो साइंस के डिपार्टमेंट जिसमें बीएस बायो साइंस, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, एमएस बायो साइंस एंड एमएस मीन्स मास्टर्स ऑफ साइंस। और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो बीई मेकाट्रॉनिक्स एंड एमएस मेकाट्रॉनिक्स। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बीएस या बीई प्रोग्राम्स में अप्लाई करोगे, अगर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो तो बीई होगा, अगर आप साइंस के लिए कर रहे हो तो बैचलर ऑफ साइंस होगा तो बीएस डिपार्टमेंट। अब कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करोगे तो बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस साइबर सिक्योरिटी और लॉ, लॉ का अगर लॉ में अप्लाई करना चाह रहे हो तो लॉ का ये है। और लॉ के लिए आपको एचएससी की लेट की टेस्ट देनी पड़ती है और उसके बाद ही आप जो यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस, एजुकेशन और मीडिया साइंस, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में जिसमें आप जेबिस्ट कराची में एडमिशन ले सकते हो 2023 के लिए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं जेबिस की ऑफिशियल वेबसाइट में जिसमें आपको मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। अच्छा, जेबिस की जो लिंक है इसकी डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे। अब जैसे ही आप वहां पे एडमिशन वाले पोर्टल पे आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा और जो लिंक है जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये सामने नजर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आके अपनी प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स देखनी है। आपने जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है तो वहां पे आप देखेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आप सारे प्रोग्राम में, अब डिपेंड करता है आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो लेट सपोज मुझे अप्लाई करना है बीई मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो मैंने यहाँ पे बीई मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे ये सारी डिटेल बताया गया कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो कैंडिडेट आपका जो है इंटरमीडिएट का, आपका प्री इंजीनियरिंग में हो, ओ लेवल या ओ लेवल आपने मिनिमम 8 सब्जेक्ट्स में क्लियर किया हो और 5 आपके कंपल्सरी हो और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में ये हो और आपके मिनिमम सब्जेक्ट्स जो है वो 3 होने चाहिए और आपके मिनिमम मार्क्स 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ग्रेड्स और इक्विवेलेंसी बता रहा है कि ए ग्रेड आपके 85% पे होता है, उस हिसाब से आपके ये मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और उसकी भी मार्क्स एटलीस्ट आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए जिस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है। ये आपके हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेकाट्रॉनिक्स के लिए। अगर आप दूसरे किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप सिंपली आएंगे, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। अब बात करेंगे एडमिशन राउंड टू के लिए, क्योंकि एडमिशन राउंड फर्स्ट जो है एंड हो चुका है, वो स्टार्ट हुआ था 23rd of January को स्टार्ट हुआ था और मार्च के 2nd पे खत्म हो गया था। अब जो सेकंड राउंड स्टार्ट है जिसकी स्टार्ट हुई थी 22 मई और उसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है। लास्ट डेट 13 जुलाई और उसकी टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन मंडे टू थर्सडे 17 टू 20 जुलाई।